एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या यानी कि एल और सार्व अंतर यानी कि डी हमें ज्ञात करना है। आइए शुरू करते हैं। जो हमें दिया हुआ है वो हम पहले लिख लेते हैं। किसी एपी का प्रथम पद है 5 यानी कि ए हमें दिया हुआ है 5। इसके साथ ही हमें दिया हुआ है अंतिम पद। कितने पद है ये नहीं पता, लेकिन अंतिम पद तो इसका मतलब ए एन दिया हुआ है और ए एन हमें दिया हुआ है 45 और इसी प्रकार से पदों का योग यानी कि एस एन हमें दिया हुआ है 400। आइए इन तीन चीजों के माध्यम से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। हमें इसमें जो निकालना है वो है एन और दूसरा जो हमें निकालना है वो निकालना है डी यानी कि सार्व अंतर। तो सबसे पहले हमें ए एन दिया हुआ है 45। ए एन का जो फॉर्मूला है वो है ए प्लस एन माइनस वन डी, यह दिया हुआ है 45। इसमें से ना हमें एन पता है ना हमें डी पता है, सिर्फ ए पता है, वो हम पुट कर देते हैं। ए है 5, एन माइनस वन इंटू डी यह बराबर है 45 के। 5 इनके साथ प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहां बच जाएगा एन माइनस वन इंटू डी। एन माइनस वन इंटू डी ये हो गया 45 में से 5 माइनस कर दिया 40। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये आगे हल नहीं हो सकता। आगे क्यों नहीं हल हो सकता, क्योंकि ना तो हमें एन पता है ना हमें डी पता है, इसलिए हम इसको अभी यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, अब हमें दूसरी चीज पता है एस एन। आइए हम इसे आगे हल करते हैं। एस एन बराबर है 400 के। ठीक है, एस एन दिया हुआ है हमें 400। एस एन का जो फार्मूला है वो है एन बटा 2 गुना 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी और यह है बराबर है 400। ठीक है, इसमें से एन हमें नहीं पता, 2 इसके साथ भाग हो रहा है और इस ब्रैकेट के साथ भी भाग हो रहा है, 2 इधर जाएगा और 400 के साथ गुना हो जाएगा। बाकी देखिए क्या है, 2 गुना ए, ए हमें कितना दिया हुआ है 5 प्लस एन पता, फिर से ना एन पता है ना वन पता है ना सॉरी ना एन पता है ना डी पता है, लेकिन देखिए एन माइनस वन इंटू डी, यदि हम वापिस यहाँ आ जाए, यदि हम n माइनस वन इंटू डी देखें तो n माइनस वन डी की वैल्यू है 40। इसका मतलब यह है कि यहां पर n माइनस वन इंटू डी इसकी जगह हम लिख सकते हैं 40। ठीक है, आइए हम इसे हल करते हैं। n इंटू 2 5 10, 10 में 40 प्लस कर देंगे तो ये बराबर 400 को 2 से गुणा करेंगे 50 एन के साथ गुना हो रहा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 0 से 0 कट गई, 16 5 80 एन कितना आ गया 16। तो ये हमारे प्रश्न का भी एक भाग हल हुआ है, हमने एन निकाला है जो कि हमारे पास आया है 16 के बराबर। अभी हमें डी भी निकालना है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में देखते हैं, एन पता है डी निकल जाएगा, तो हम लिखते हैं इक्वेशन 1 में, इक्वेशन एक थी एन माइनस वन गुना डी, तो एन की जगह मैं लिखता हूं 16 माइनस 1 गुना डी यह बराबर है 40 के। आइए इसे आगे हल करते हैं। 16 माइनस 1 होता है 15 गुना डी बराबर 40, तो डी आ गया 40, 15 इधर गुना हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा भाग, 5 के पहाड़ में 5 दिया 15 और 5 के पहाड़ में 8 5 40, तो हमारा डी जो है वो आ गया 8 बटा 3। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दो ही चीजें निकालनी थी, एक था पदों की संख्या और दूसरा सार्व अंतर। तो हम यहां लिख देते हैं पदों की संख्या बराबर एन, बराबर एन हमारा आया है 16 और सार
डी बराबर 8/3। तो यही इस प्रश्न का उत्तर